हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। टॉपिक को शुरू करने से पहले, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आए आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स स्टार्ट पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। वट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो एक से ज़्यादा फॉर्म पे एग्जिस्ट करे, उसको हम कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिक इंडिविजुअल। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है। पॉलीमॉर्फिज्म इन्वॉल्व्स करता है क्या, प्रेजेंस ऑफ टू आर मोर देन टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इन ए कलोनियल ऑर्गेनिज्म। अगर कोई कलोनी पे रह रहा है और वो एक से ज़्यादा टाइप्स को आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल्स की फॉर्म वहाँ पे वो दिखा रहा है, तो वो होगा इसका पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म पे ये भी होगा कि जो टू या मोर देन टू जो फॉर्म्स प्रेजेंट होगी, उनमें आप कह सकते हो स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म वो होगा जिसपे एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म पे एक से दो से ज़्यादा जो आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स रिजाइड करेंगे, और वो इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चरली फंक्शनली एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की जो आप कह सकते हो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो सिलेंट्रेटा की एक ही क्लास में देखी जाती है, जिसको हम कहते हैं क्लास हाइड्रोजोवा। और क्लास हाइड्रोजोवा के अंदर ऑर्डर आता है सिफेनोफोरा, उस पर बेस्ट एग्जाम्पल देखी जाती है किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म की। अब पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल आप ऑकरेंस या आप कह सकते हो कि क्या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन हो सकता है, कि इस पर क्या दिखाई देखने को मिलती है हमें, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब जैसे हमने कहा कि एक कॉलोनी के अंदर दो या दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का अपना ही एक क्या होगा, फंक्शन होगा। इट मीन्स कि कॉलोनी के अंदर हर एक इंडिविजुअल ने एक एक फंक्शन को क्या किया होगा, असाइन किया होगा, जो वो उस कॉलोनी के अंदर वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके अलावा कोई और वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। और यही सारे फंक्शन जब एक साथ आप कह सकते हो परफॉर्म होंगे, तो कॉलोनी बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पर सर्वाइव या आप कह सकते हो फ्लोरिश करना शुरू कर देगी। अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करें, तो सिलेंट्रेटा पे हमने पहले भी कहा था कि इनके दो बेसिक जॉइट्स या फॉर्म्स होती हैं, जिसको मैंने कहा था पल्प एंड मेडूसा। बाकी जो अदर मोर देन टू अगर जो फॉर्म्स होंगी, वो इन्हीं की मॉडिफिकेशन होगी, या पल्प की होगी या मेडूसा की। बेसिक फॉर्म इनकी दो ही रहेंगी, और जो दो से जब और ज़्यादा फॉर्म्स इनकी फॉर्मेशन होगी, तो वो यही या तो पल्प मॉडिफाइड होगा या तो मेडूसा क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा। अगर हम पल्प की बात करें, तो बेसिक में पल्प का स्ट्रक्चर है क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये एक ट्यूबुलर लाइक क्या होगी, बॉडी होती है, जिसके पास एक माउथ प्रेजेंट होता है, और माउथ को सराउंड क्या करते हैं इनके नंबर्स ऑफ टेंटिकल्स। और जो दूसरा एंड होता है वो इसका सबस्टेटम के साथ फिक्स्ड होता है, और जो जो पार्ट इसका सबस्टेटम के साथ फिक्स्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऊपर से ये पैडल डिस्क, जो सबस्टेटम के साथ इस पूरे पल्प को क्या करके रखेगी, फिक्स करके रखेगी। अगर ये फिक्स हो गया, इट मींस कि ये क्या है, सिसाइल या नॉन माइग्रेटरी, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। और पल्प का मेन फंक्शन क्या रहता है, ये फीडिंग पे प्रोटेक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इनकी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। देन अगर हम मेडूसा की बात करें, तो मेडूसा का हमने पहले भी कहा था कि ये कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड या बेल शेप्ड होता है, और इनके मार्जिन्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मार्जिनल टेंटिकल्स। इसके पास भी माउथ प्रेजेंट होता है, और ये जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये होता है इसका एक मैनुब्रम का पार्ट, और इसके टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, इसका माउथ। देन जिस तरह से आपने अम्ब्रेला को देखा होगा कि उसकी दो सरफेस होती हैं, एक आप कह सकते हैं कन्वेक्स और एक कनकेव। जो इनकी कन्वेक्स वाली सरफेस है, उसको हम क्या नाम देते हैं, कन्वेक्स वाली को हम कहते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और जो इसकी अंदर वाली कनकेव वाली सरफेस है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस, ठीक है। और इस मेडूसा जो है, जैसे मैं पल्प को कहा था कि वो सिसाइल फिक्स्ड रहते हैं, जो मेडूसा होते हैं ये
फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब ये मोटाइल होंगे, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पल्प होगा ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मेडूसा होगा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देन पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो हमने पहले भी कहा कि जो पॉलीमॉर्फिज्म की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपकी क्लास हाइड्रोजोवा में आती है, और किस तरह के वहाँ पे फॉर्म्स बननी है, जैसे मोनोमॉर्फिक है कि वहाँ पे सिंगल है, या डाईमॉर्फिक दो इंडिविजुअल्स हैं, ट्राईमॉर्फिक पे तीन आ जाएंगे, और पॉली पे आ जाएगा मोर देन टू, या आप कह सकते हो थ्री जो फॉर्म्स होंगी वहाँ पे क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। अगर हम मोनोमॉर्फिक की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है हाइड्रा और सी एनेमोन पे, वहाँ पे सिर्फ एक ही पल्प की फॉर्म प्रेजेंट होती है, बाकी कोई और वहाँ पे फॉर्म प्रेजेंट नहीं होगी। इसलिए इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म पे ऐसे तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक से ज़्यादा फॉर्म, दो से ज़्यादा फॉर्म को नहीं दिखा रहा, बट हम पैटर्न की बात करें इसलिए हम इसको डिस्कस किया कि मोनोमॉर्फिक। देन उसके बाद हम आ जाते हैं डाईमॉर्फिक। जो डाईमॉर्फिक है ये आपकी बिल्कुल सिंपलेस्ट और कॉमन पैटर्न है पॉलीमॉर्फिज्म का, जो मोस्टली देखने को मिलेगा, और इस पे दो तरह के जॉइड्स, क्योंकि डाई स्टैंड्स फॉर टू, इसलिए यहाँ पे दो तरह के जॉइड्स होंगे, और दो जॉइड्स इसके कौन से होते हैं, इसके टाइप पे वो होते हैं इसके कौन से, गैस्ट्रोजाइट्स, जो किसको बिलोंग करेंगे, किस फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, वो आ जाएगा इसका फीडिंग वाला पार्ट, और दूसरा हो जाएगा गोनोजॉइट्स, वो होंगे जो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। गैस्ट्रोजाइट्स का दूसरा हम नाम कहते हैं हाइड्रेंथ, और गोनोजाइट को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, ब्लास्टोस्टाइल्स। मतलब डाईमॉर्फिक आपका वो होगा जिसपे आपको दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइट्स मिलेंगे, और ये एग्जाम्पल किस में देखने को मिलती है, ट्यूबुलेरिया और गॉर्गोनिया में, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है ट्राईमॉर्फिक, जिसपे आपकी ट्राई स्टैंड फॉर थ्री, मॉर्फिक स्टैंड फॉर फॉर्म, मतलब यहाँ पे थ्री फॉर्म्स मिलेंगी आपको क्लोनी के अंदर, जो दो तो आपकी सेम ही रहेंगी जो डाइमॉर्फिक वाली, गैस्ट्रोजाइट और गोनोजाइट, एडिशनली थर्ड जो ऐड हो जाएगी डेट वन इज डक्टाइलोजाइट्स, और डक्टाइलोजाइट्स आपके नॉन फीडिंग इन नेचर होंगे, डिफेंसिव इन स्ट्रक्चर में होंगे, और इनके पास डिफेंस करने के लिए इनके पास प्रेजेंट होंगे बैटरीज ऑफ मैटोसिस, मतलब इनके जो स्टिंगिंग सेल की जो ऑर्गेनलीज होंगी वो इनके पास क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी ट्राईमॉर्फिक फॉर्म पे। देन फिर उसके बाद आ जाता है पॉलीमॉर्फिक, जिसपे आप कह सकते हो कि मोर देन थ्री टाइप्स ऑफ जॉइट्स जब प्रेजेंट होंगे, तब हम एक्चुअल में इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्लोनी क्या दिखाती है, पॉलीमॉर्फिज्म। जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या दिखाई हमने यहाँ पे, हाइडेक्टिनिया, जिसके पास फाइव टाइप्स ऑफ जो पल्प्स हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि दो बेसिक फॉर्म इनकी पल्प एंड मेडूसा ही रहेगी, अगर दो से ज्यादा फॉर्म्स प्रेजेंट हैं या तो वो पल्प मॉडिफाइड होके फॉर्म बनाएगा, या तो वो मेडूसा मॉडिफाई होके क्या करेगा, फॉर्म बनाएगा। और यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि फाइव टाइप्स इसके आप कह सकते हो कि फॉर्म प्रेजेंट है, तो फाइव टाइप्स इसकी पल्प सही क्या होंगी, वो मॉडिफाइड होंगी, जैसे गैस्ट्रोजाइट इसकी फीडिंग के लिए होंगे, स्पाइरल डक्टाइलोजाइट्स इनकी प्रोटेक्शन के लिए होंगे, टेंटिकुलोजाइट्स इसके सेंसरी फंक्शन के लिए होंगे, स्केलेटो जाइट्स इसके स्पाइनी प्रोजेक्शन होंगी इसके वो बॉडी वॉल्स में, गोनोजाइट्स जो है वो इनके रिप्रोडक्शन पे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। देन आती है कि पॉलीमॉर्फिक टेडेंसिन सिफिनोफोरा एनिमल, जो हमने पहले भी कहा था कि बेसिक फॉर्म्स दो, और आगे अगर और फॉर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है तो वो मॉडिफाइड फॉर्म होगी, या तो पल्प की या तो फिर किसकी होगी, मेडुसाई फॉर्म की। और वो यही कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक देखने को मिलता है वो मिलता है ऑर्डर सिफिनोफोरा के क्लास कौन सी, हाइड्रोजोवा में, और यहाँ पे दीज फॉर्म्स ऑफ जॉइट्स आर डिवेलप्ड, जो हमने पहले कहा कि दो बेसिक फॉर्म पल्प और मेडूसा ही रहेंगी, जो एडिशनल फॉर्म की फॉर्मेशन हो रही है वो यहीं से क्यों हो रही है, पल्प और मेडूसा से ही बन रही है, ठीक है। जितनी भी मॉडिफाइड इनकी फॉर्म्स होगी एक कॉलोनी के अंदर, वो कॉमनली एक स्टॉक के साथ क्या होंगी, अटैच या बाइंड होंगी, और उस कॉमन स्टॉक का क्या नाम होगा इसका, सीनोसार। मतलब अगर फाइव या फोर तरह के यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, वो सब के सब एक ही कॉमन स्टॉक के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, और वो कॉमन स्टॉक इसकी कौन सी होगी, सीनोसार। अगर हम पॉलीपॉइड या पल्प की अगर जॉइंट्स की फॉर्म की बात करें, तो पल्प मॉडिफाइड होके क्या क्या बनाएगा, वो बनाएगा गैस्ट्रोजाइट्स, डक्टाइलोजाइट्स, गोनोजाइट्स। इसी तरह से अगर मेडुसा मॉडिफाइड होगा
वो कौन कौन सी फॉर्म बनाएगा, न्यूमेटोफोर्स, नेक्टोकैलेक्स, ब्रैकेट्स एंड गोनोफोर्स। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पॉलीपेप्टाइड्स जो मॉडिफाइड हो रहे हैं तो उस पर क्या क्या स्ट्रक्चर रह रहा है, क्या उसके फंक्शन हो गए। फर्स्ट हमने पॉलीपेप्टाइड्स का कहा कि गैस्ट्रोजाइड इसकी मॉडिफाइड फॉर्म होगी तो वो क्या किस नेचर में होगी, न्यूट्रिएटिव पल, मतलब वो न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होगी और जितना भी इस कॉलोनी को फूड की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, वो सारे का सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, गैस्ट्रोजाइट। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जो यहाँ पे कॉलोनी बन रही है, कॉलोनी में डिफरेंट तरह की फॉर्म है, हर एक फॉर्म का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जिसको हम कह रहे हैं डिविजन ऑफ लेबर, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसके अलावा कोई और दूसरा वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। और जब सारे फंक्शंस को हम क्लब करेंगे, इससे ये होगा कि उस कॉलोनी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देन इसी तरह से जो गैस्ट्रोजाइट्स, हमने कहा कि वो न्यूट्रिशन जितना उस कॉलोनी को चाहिए वो ये ग्रैब करेंगे। अगर इसकी शेप की बात करें, ये कैसे होगा, ट्यूबलरिन शेप होगा, इसके पास एक माउथ ओपनिंग प्रेजेंट होगी और इसके बेस से अराइज करेगा क्या, एक लॉन्ग कंट्रेक्टाइल टेंटिकल, और ये जो टेंटिकल है ये फर्दर ब्रांच्ड बनाएगा और ब्रांच्ड के टिप पे क्या प्रेजेंट होगी, बैटरी ऑफ नेमेटोसिस, मतलब इनके स्टिंगिंग सेल की जो ऑर्गेनेलिज होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अगर नेमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या होगा कि वो प्रे को कैच करे या उसके अंदर पॉइजन को इंजेक्ट करके उसको पैरालाइज करे, देन उसको फिर कैच करे, फिर उसको डाइजेस्ट करे, और डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो फाइनली जो इसकी कॉमन स्टॉक है जिसको हमने सिनोसार कहा था, वो उसके अंदर क्या कर देगा, आप कह सकते हो कि रिलीज कर देगा और वहाँ से थ्रू आउट पूरी कॉलोनी पर वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इनका कौन सा, डक्टैलोसाइट्स। डक्टैलोसाइट्स को हम पेल्पॉन्स, फेलर्स या टेस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जैक्टली होगा किसकी शेप की तरह, गैस्ट्रोजाइट की शेप्स की तरह, बट इस पर क्या वेरिएशन होगा, यहाँ पे इसके पास माउथ नहीं प्रेजेंट होगा, इसका टेंटिकल एक लॉन्ग तो प्रेजेंट होगा बट यहाँ पे किसी तरह की आप कह सकते हो ब्रांच का स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर आपको फाइसेलिया में देखने को मिलेगा। और ये वाले जॉइड्स भी आपके किसके नेचर के होंगे, प्रोटेक्टिव नेचर, मतलब कि जो भी क्लोनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने होंगे किसी भी उनके एनिमी से, तो ये वाले जो डक्टैलोसाइट्स हैं ये फंक्शन वहाँ पे क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आ जाता है गोनोजाइट्स, और गोनोजाइट्स होंगे इनके रिप्रोडक्टिव जाइट्स, मतलब जो इनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। इनके पास भी जो है किसी तरह का कोई जॉइड्स आप कह सकते हो प्रेजेंट, सॉरी किसी तरह का वो आप कह सकते हो कि टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इनके पास जो गोनोजॉइट का स्ट्रक्चर है इनर पे प्रेजेंट होगी, उनके पास गोनोफोर्स जो इनका मेडुसा फॉर्म आएगा। सिंपल आप ये कह सकते हो जो गोनोजॉइट्स होंगे वो जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ से वो उनकी मेडुसा की फॉर्म को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और वो मेडुसा की फॉर्म क्या होगी, गोनोफोर्स। गोनोजॉइट्स खुद एक्चुअली क्या होंगे, पल्प की मॉडिफिकेशन, जब गोनोजाइट्स रिप्रोड्यूस करने के बाद जो वहाँ से रिलीज करेंगे स्ट्रक्चर्स को वो होंगे इनके गोनोफोर्स, और गोनोफोर्स मॉडिफिकेशन किसकी आ जाती है, मेडुसाई की, ठीक है, या आप कह सकते हो वो मेडुसा की टाइप आ जाएगी। देन अगर हम मेडुसाइजॉइड्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट उसका कौन सा आ जाता है, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स एक्चुअली एक आप कह सकते हो सैक, एक बैग लाइक क्या है ये स्ट्रक्चर होता है जो पूरी कॉलोनी को आप कह सकते हो फ्लोट करने पे उनकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। और ये किसका शेप की तरह होता है, इन्वर्टेड मेडुसन बेल होती है। यहाँ पे इसकी दो वॉल्स प्रेजेंट होगी और हाईली मस्कुलर होंगी, दोनों वॉल्स के बीच भी किसी तरह का कोई मेसोगेलिया प्रेजेंट नहीं होगा। जो एपिडर्मल इसकी लाइनिंग होती है वो होती है ग्लैंडुलर इन नेचर, और ग्लैंड उसका कौन सा होता है, गैस ग्लैंड, और इसी गैस ग्लैंड से क्या रिलीज होती है, गैस, और इस एयर सैक के अंदर क्या होगी, फिल हो जाएगी, जिससे ये काफ़ी लाइट वेट हो जाएगा और ये वाटर के ऊपर क्या करेगा, हमेशा रहेगा, और बाकी जो कॉलोनी होगी वो वाटर के अंदर क्या करेगी, सस्पेंडेड रहेगी, ठीक है। अब ये जो गैस ग्लैंड है वो हमने पहले कहा कि सिक्रीट करेगा गैस इस एयर सैक पे। अब ये जो स्ट्रक्चर है न्यूमेटोफोर का, ये भी वेरिएशन दिखाता है किसी पे स्मॉल होगा, जैसे हेलिस्टिमा पे जो न्यूमेटोफोर ये स्मॉल इन साइज होंगे, फाइसिलिया पे काफ़ी ये लार्ज इन साइज होंगे, और अगर पॉर्पिटा की बात करें तो वहाँ पे ये डिस्क लाइक मतलब सर्कुलर शेप पे क्या होंगे, ये न्यूमेटोफोर क्या होगा, प्रेजेंट होगा।
नेक्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म मेडुसा की आ जाती है नेक्टोकैलेक्स, ये होती है एक्चुअली में क्या स्विमिंग बेल्स। इनके पास कोई माउथ मैन्यूब्रम या टेंटिकल सेंसर कुछ भी कोई स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। ये जस्ट इस क्लोनी की स्विमिंग के लिए हेल्प के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आ जाता है ब्रैकेट, ये होते हैं इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, नेमेटोसिस्ट, और ये भी डक्टाइलोजाइट्स की तरह प्रोटेक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उस क्लोनी की, ठीक है। देन गोनोजाइट्स, या हमने पहले कहा था गोनोजाइट्स जो होंगे वो रहते हैं आपके पल्प के फॉर्म, बट जब उसी गोनोजाइट से रिप्रोड्यूस होने के बाद आगे जो फॉर्म्स निकलेंगी गोनोफोर्स, वो एक्चुअली क्या हो जाएंगी, मेडुसेई फॉर्म हो जाएंगी। देन अब हम सिफोनोफोरा से, जो हमने पहले कहा कि सिफोनोफोरा ऑर्डर के जो आता है क्लास हाइड्रोसोफा कहते हैं, इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक टेंडेंसी देखने को मिलती है। जिस यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं फाइसिलिया की, जिसको हम पोर्टिगस मैन ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमने पहले कहा था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमेटोफोर होंगे हेलियोस्टेमा पे, हमने कहा था कि वो स्मॉल इन साइज होंगे, बट इन केस ऑफ फाइसिलिया ये काफ़ी क्या होता है, लार्ज इन साइज प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होंगे, गैस ग्लैंड, और यहाँ पे क्या रिलीज करेंगे वो गैस, जिससे इसके अंदर काफ़ी लाइट वेट होगा और ये बायोन्सी प्रोवाइड करके ये हमेशा रहेगा वाटर से अबव, बाकी ये जो स्ट्रक्चर ये सारा होगा वाटर के सरफेस से नीचे की तरफ, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी जॉइंट्स इस फाइसेलिया पे प्रेजेंट होंगे वो अरेंज्ड होंगे और बिलो दी फ्लोट होंगे, ठीक है, जो मैंने पहले कहा कि वो वाटर सरफेस से नीचे की तरफ होंगे। इसका निमेटोफोर कैसे होगा, काफ़ी बिग होगा, कलरफुल में होगा, देन फिल्ड विद गैस होगा, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, गैस ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करेंगे गैस, और इसी गैस की मदद से वो फ्लोट कर पाएगी पूरी क्लोनी उस वाटर के ऊपर, ठीक है। देन फाइसिले के अगर हम अदर जॉइंट्स की बात करें न्यूमेटोफोर से नीचे की तरफ, जो एक पूरा यूनिट बनेगा, मतलब जितने जॉइंट्स और प्रेजेंट हैं वो सारे क्लब होकर एक यूनिट बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्मीडिया। और उस यूनिट के अंदर कौन कौन से इनके जॉइंट्स आ जाते हैं, गैस्ट्रोजॉइट, जो हमने पहले कहा कि न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, डक्टाइलोजाइट्स, दो तरह के होंगे इसके, स्मॉल और लार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्मॉल साइज डक्टाइलोजाइट्स, और ये होंगे इसके लंबे वाले, इसके लार्जर डक्टाइलोजाइट्स, ये होंगे इसके प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। देन ब्रांच्ड गोनोजाइट, यहाँ पे होंगे गोनोजाइट्स, और गोनोजाइट से आगे इनके क्या रिलीज हो जाएंगे, वही गोनोफोर्स, जो इनके एक्चुअल में मेडुसाई फॉर्म वो आ जाएगी, ठीक है। ये है आपका कौन सा, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।